कितने लोगों ने डैम देखा है, डैम, गंगरेल डैम तो आपने देखा होगा। आप देखना जब गंगरेल डैम का जब जब दरवाजा बंद रहता है, एक साइड आप देखना पानी लबालब भरा हुआ है, ये डैम गेट है, इस तरफ पानी लबालब भरा हुआ है, लेकिन डैम गेट के दूसरे तरफ सूखा पड़ा हुआ है। डैम का गेट जब बंद रहता है तो आप देखना एक तरफ लबालब पानी भरा हुआ है, लेकिन डैम गेट के दूसरे तरफ में अगर आप देखोगे टोटल सूखा पड़ा हुआ है। मतलब वो डैम गेट बंद है, उस डैम गेट के उस पार बहुत पानी है, बहुत पानी है, लेकिन डैम गेट के इस पार में सूखा पड़ा हुआ है। और जहां सूखा पड़ा हुआ है वो वेट कर रहे हैं, काहे का, डैम गेट खुलेगा तो पानी आएगा। उसी प्रकार से मैं आपको बता दूं कि इस तरफ जो पानी भरा हुआ है ना, बहुत आशीष है, बहुत आशीष है, समझ में आ रहा है। लेकिन जो इस तरफ खड़े हैं ना, वो सूखे में हैं, गरीबी में, कर्ज में, आर्थिक घटी कमी में, बेरोजगारी में, नाना प्रकार की समस्याओं में, वो सूखे में हैं, वो सूखे में। जानते हो क्यों? क्योंकि आशीष का जो गेट है ना, उनके लिए द्वार बंद है, वो डैम गेट उनके लिए बंद है। और जो गेट के इस तरफ में है वो लबालब आशीष में नहा रहे हैं, तैर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं आशीषों का। लेकिन जो डैम गेट के इस पार में है वो श्राप का जीवन, गरीबी का जीवन, दुख का जीवन, बीमारी का जीवन, सूखा, इंतजार किस बात का मालूम है? डैम गेट खुलने का। वो गेट खुलेगा और पानी सरसरा करके आएगा, सारा सूखा मिट जाएगा। उसी प्रकार से आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी एक बांध है, बांध, बांध, डैम गेट, उसको हिंदी में बांध कहते हैं, बांध, एक बांध है। उस बांध के कारण से क्या है मालूम है? आपके बांध है, लेकिन आप बांध के उस तरफ में हो जिस तरफ सूखा है। बहुत से लोग बांध के उस साइड में है जहां सूखा है, हाँ, लेकिन बहुत से लोग बांध के उस साइड में है जहां पर लबालब आशीष है, हाँ, वो आशीष का आनंद उठा रहे, लुफ्त उठा रहे हैं वो, हाँ। लेकिन आप में से ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो बांध के उस तरफ में है जहां सूखा पड़ा हुआ है, वो इंतजार कर रहे हैं कब आशीष का द्वार खुलेगा और आशीष बहेगी मेरे जीवन पर, आर्थिक उन्नति, स्वास्थ्य, संपन्नता, गवर्नमेंट जॉब, संतान, विवाह कब बहेगा मेरे जीवन पर, वेट। ये जो इजरायली लोग थे ना, इनका यही कंडीशन था, ये बांध के उस स्थिति परिस्थिति उस स्थान पर थे जहां पर सूखा पड़ा हुआ था, सूखा था, जहां पर कोई आशीष नहीं थी, कोई सफलता नहीं, कोई संपन्नता नहीं, कुछ भी नहीं। तब इन्होंने क्या किया मालूम है? इन्होंने उस बांध को तोड़ने के लिए, बंधन को तोड़ने के लिए, उस बांध को तोड़ने के लिए, डैम गेट खोलने के लिए, इन्होंने जो सबसे पहला काम किया था वो क्या था? परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर को पुकारा, प्रार्थना किया, खुदा के सामने उपस्थिति में बैठ गए और दुहाई देने लगे, पुकारने लगे, हे परमेश्वर, हमारे दुखों से छुड़ा, गरीबी से छुड़ा, कर्ज से छुड़ा, आर्थिक घटी कमी से छुड़ा, आंसुओं के साथ करहा करहा कर, बिलक बिलक कर, रोकर तड़पते हृदय से पुकारने लगे, और खुदा ने स्वर्ग में बैठे उनकी दुआओं को सुन लिया। कई लोग प्रार्थना कैसे करते हैं मालूम है? प्रभु जी मैं बहुत दुखी में हूं, प्रभु जी आप मुझे छुटकारा दे दीजिएगा। आपके आजू बाजू का पत्ता तक नहीं हिलेगा, स्वर्ग तो दूर की बात है। आप ऐसी प्रार्थना करो कि खुदावंत, स्वर्ग जब हम बैठे तो स्वर्ग में के सिंहासन जो है ना, सिंहासन वो हिलने लगे आपकी प्रार्थना से। वो कैसे होता है मालूम है? जब आप बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करते हो, बड़ी गंभीरता के साथ प्रार्थना करते हो अपने छुटकारे के लिए। मैं अभी क्या कर रहा था मालूम है? अभी मास प्रेयर जो मैं कर रहा था ना, मैं क्या कर रहा था मालूम है? मैं क्या कर रहा था? आपके लिए डैम गेट खोल रहा था, मैं आपके लिए डैम गेट खोल रहा था। मैं क्या कर रहा था मालूम है? मैं बांध का दरवाजा खोल रहा था ताकि पानी बहे आपके जीवन में। लेकिन अफसोस है उनके ऊपर, अफसोस है उनके ऊपर जो अपने ही छुटकारे के लिए, अपनी ही उन्नति के लिए प्रार्थना करने के प्रति आलसी, लापरवाह हो जाते हैं। बंधन में है, प्रॉब्लम में है, चलो खुद प्रार्थना नहीं कर पा रहे, खुद प्रार्थना नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर कोई प्रभु परमेश्वर उनके लिए अपना दास भेज रहा है, अभिषिक्त भेज रहा है, ताकि उसकी प्रार्थना में सम्मिलित होकर के वो अपने छुटकारे को गंभीरता से रिसीव करें, और वो बांध खुल जाए,
उसमें भी कई लोग जो हैं लापरवाही करते हैं, आलसीपना करते हैं। अब अभी मैं क्या कर रहा था, मैं बांध खोल रहा था, मैं डैम गेट खोल रहा था, हाँ, और जितने लोगों ने मेरे साथ मिलकर के प्रार्थना में जितने लोगों ने ग्रहण किया, जितने लोगों ने एकदम विश्वास के साथ यस फायर 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 आउट 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 यस आमीन आमीन, जितने लोगों ने ऐसी गंभीरता के साथ ग्रहण किया वो गवाही के साथ आएंगे। हाँ, और मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए, मैं बड़े बोझ से प्रार्थना कर रहा हूं और करके भी आया और मैं कर रहा हूं, लेकिन आप प्रार्थना में आपका एटीट्यूड कैसा है, आप खुद आशीष पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, आप में से अगर कुछ लोग आज आलसी पना किए, कैसे आउट आउट बोल रहे हैं, चुपचाप खड़े, जब मैं बोल रहा हूं फायर बोलो चुपचाप खड़े हैं, अगर बोल भी रहे तो फायर 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 आउट आउट, और कुछ तो मेरे को ही घूर रहे हैं, मेरे को ही देख रहे हैं, क्या कर रहा हूं, इधर जा रहा हूं उधर जा रहा हूं। इसीलिए आपके आजू बाजू के लोग गवाही देते हैं, आप गवाही नहीं दे पाते।